जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। कैसे हैं आप लोग ये भी बताइए, और मेरी आवाज़ और पिक्चर क्लियर है तो ये भी ज़रा बता दीजिए। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और जैसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है ना आप लोगों की गमछे को लेकर, तो आज देखिए गमछे से किया है फेस कवर, गमछा फेस कवर हो गया है आज। तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है मेरा लुक। कुछ डिफरेंट है ना, शायद आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा, तो शायद आप लोगों को भी। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है इसीलिए मैंने ये जो लोग भी लाइव वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लाइव करने के लिए, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए सोचा कि ठीक है आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जाए, आप लोगों से बात कर ली जाए। तो आज की लाइव में हम गमछे से फेस कवर किए हुए हैं और करने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म एक्ट करने वाले हैं, और डिफरेंट हैंकी से हम क्लोरोफॉर्म एक्ट करेंगे। हेलो मिश्रा भाई आ चुके हैं, हेलो मिश्रा भाई कैसे हो, थैंक यू सो मच आने के लिए, लाइक के लिए भी थैंक यू, आने के लिए भी थैंक यू। मिश्रा भाई लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे चैनल ना नोटिफिकेशन कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए कोई नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल हटाएंगे, बस थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और आज तो हमारे विदुरी भाई भी आ चुके हैं, क्या बात है, और DNA न्यूज़ भी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैम जी हटाओ प्लीज़, ओके लो हटा दिया, खुश दी आपने रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया। मैंने कौन सा रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया? विदुड़ी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। चैनल बिल्कुल डाउन चल रहा है, चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो भाई। मैं आप लोगों को कितनी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ और आप लोग मेरे लिए एक वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो। अर्पिता भी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच अर्पिता शेस, थैंक यू। और हमारे मिश्रा भाई एकदम खुश, क्या बात है। यानी चश्मा इतना बुरा लग रहा था क्या मेरे चेहरे पर? काट रहे हैं वक्त, अच्छा जी। और हमारे अमन भाई भी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच अमन भाई आने के लिए, लाइक देने के लिए, थैंक यू। और DNA भाई आपका तो रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही हाईफाई रिक्वेस्ट है, और वैसे भी आजकल मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं नाइट में ही थोड़ा मेरे को टाइम मिल पाता है, तो मैं इस समय थोड़ी सी लाइव कर लेती हूँ। मतलब आप लोग रिक्वेस्ट ना ऐसी बताया करो जो कि मैं पूरी कर सकूं। ये लाइव मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर के खुद के लोग देख रहे हैं, और वो लोग मेरे से बाद में सवाल करते हैं कि क्या करती हो तुम, तो कम से कम इस तरह का रिक्वेस्ट करो कि जो मेरे को भी शर्म ना लगे। गजरौला कब पहुंच गई है भाई? जब तुमने पूछा था ना मैं तब गजरौला थी, अभी मैं अपने शहर में हूँ। तबीयत में सुधार है अमन भाई, पहले से सुधार है। और प्रीतम भाई भी आए थे, प्रीतम भाई का मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, सॉरी। नहीं तो DNA भाई कुछ ऐसा रिक्वेस्ट बताओ ना, जैसे मैं अभी लाइव कर रही हूँ तो मैं इसमें क्लोरोफॉर्म एक्ट करने वाली हूँ और हैंड गैंग टॉप करने वाली हूँ, तो आप जो मैं अभी कर सकती हूँ वो आप रिक्वेस्ट मुझे बताओ तो मैं करूँगी। मेरा भाई BP हाई हो रखा है, कोल्ड हो रखा है। हाँ मैं MBD हूँ। लाइव ही करूँ अभी क्या करना है लाइव में ये तो बताओ, मेरा चैलेंज। ओके जी भाई मैं यही हूँ,
मेरी आवाज़ और पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? पुरानी प्रॉब्लम है, कोल्ड भी, हाँ ऐसा ही है, बीपी तो पुरानी प्रॉब्लम है साथ में। हाँ कोल्ड हो गया है भाई अभी 3-4 दिन से। तुम भिदुड़ी भाई इस समय कहाँ हो ये बताओ, इस समय कहाँ हो? MBD में कोई एरिया तो होगा ना जहाँ हो। तो मैंने बोला ना NDA न्यूज़, आप रिक्वेस्ट तो बताओ कौन सी करूँ, मतलब नॉर्मल सी रिक्वेस्ट आप मुझे इस समय बता दो, क्योंकि इस समय क्या है ना सब लोग लाइव देख रहे होंगे मेरे घर में भी। डेली भी कभी आ जाओ दी भाई, कैसे करूं, आने का टाइम ही नहीं लग पा रहा। दी आपने फेस कवर क्यों कर रखा है भाई? इतना बड़ा रीज़न है ये न्यूज़ भाई कि मैं क्या बताऊं। मैं अगर मैंने अपने नॉर्मल ब्लॉग भी डाले हुए हैं, इतने सारे नॉर्मल ब्लॉग डाले हुए हैं बिना फेस कवर के, लेकिन मेरे उन फेस कवर के, बिना फेस कवर के कोई ब्लॉग ही नहीं देख रहा है। और मैं अगर ये फेस कवर करके अगर ब्लॉग भी बना ले रही हूँ तो भाई सब ज़्यादा नहीं तो 250-300 तक मेरे ब्लॉग देख लेते हैं। पता नहीं मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, क्या चक्कर है कि इंसान मेरे नॉर्मल ब्लॉग नहीं देखते हैं, फेस कवर को देखना पसंद करते हैं। बैंक कॉलोनी, और तुम बैंक कॉलोनी में पहुंच गए, पहले तो आकांक्षा हॉस्पिटल के पास थे। मैं इस समय ब्रेड फैक्ट्री पे हूँ भिदुड़ी भाई, ब्रेड फैक्ट्री पे। ओनली 2 वॉचिंग शो कर रहा है, कोई है ही नहीं लग रहा है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। यस मुझे भी पता है आकांक्षा से ज्यादा दूर नहीं है बैंक कॉलोनी, और बैंक कॉलोनी के बिल्कुल पास में है ब्रेड फैक्ट्री। मैं अभी शर्मा के यहाँ से लेके गए हो क्या, क्यों भिदुड़ी भाई? वाह ब्रेड फैक्ट्री बात है। और बता अमन भाई जॉब कैसी चल रही है? मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है क्या मेरी लाइव का? पता है जब कोई नहीं रहता ना लाइव में तो मेरे को ना लाइव करने का मन नहीं करता, मन करता है बंद करो और बस। अच्छा अच्छा आकांक्षा के पास, ओके क्या करूं अमन भाई, लाइव बंद कर दूं क्या? जॉब में क्या है, बोरिंग रहती है, बस नेक्स्ट मंथ का वेट है मुझको तो। कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या नेक्स्ट मंथ? क्या बताऊं भिदुड़ी भाई, यूट्यूब ने दुखी कर रखा है, यूट्यूब ना छोड़ पा रही हूँ ना आगे चला पा रही हूँ। आहा गोवा किस लिए जा रहा भाई, घूमने ये जॉब करने? गोवा घूमने जॉब करने? अच्छा भिदुड़ी भाई एक बात ये बताओ कि जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं क्या वो मोनेटाइज नहीं होती क्या? मौज लेने घूमने, ओ घूमने जा रहे हैं भाई, क्या बात है अमन भाई, मौज लेने जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी जगह है, घूम के आओ। मैं घूम के आ चुकी हूँ गोवा, मस्त जगह है घूमने के हिसाब से। दो ही लोग हैं बस, अमन भाई और भिदुड़ी भाई हैं बस मेरी लाइफ में, और कोई भी नहीं है, क्या बात है। वही मैं देख रही हूँ, पहले मोनोटाइज होती थी शॉर्ट वीडियोस, लेकिन अब मैं पोस्ट करती हूँ तो वो मोनोटाइज नहीं होती, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करो अमन भाई, बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है। मेरे लिए ना ब्लॉग बना देना अमन भाई, नेक्स्ट मंथ मेरे लिए ब्लॉग बना देना, क्योंकि जब मैं गोवा गई थी ना उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी तो मुझे नहीं पता था। अब तुम जा रहे हो ना तो मेरे लिए ब्लॉग बना देना,
और मिस्टर एक्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मिस्टर एक्स आने के लिए। कैसे हैं आप? लव फ्रॉम श्रीलंका। ओह माय गॉड। हाँ दी, मैं आपको बना के दे दूंगा। अब मुझे इंतज़ार रहेगा अमन भाई, देखती हूँ कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, तुम जा रहे हो तो शायद हो सकता है शूट कर लो, तो शूट कर लेना। शॉर्ट वीडियो से व्यूज़ और सब आते हैं बस। नहीं, मेरा तो विदुड़ी भाई देखो, चैनल भी मोनोटाइज है, ठीक है, और पेमेंट भी ले चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस डालने का मन नहीं करता। क्योंकि क्या करना है जब सब्सक्राइबर भी कंप्लीट है, वॉच टाइम कंप्लीट है, मोनोटाइज है चैनल, तो फिर शॉर्ट वीडियोस क्यों पोस्ट करनी? क्योंकि मैं कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ। हाँ ये बात तो सही है, तो कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहा करो ना अमन भाई। लेकिन हाँ, अब तो कई साल पुराना हो चुका है तुम्हारा चैनल। देखो यूट्यूब पे तो लगना पड़ता है, बिना लगे कुछ नहीं होता है यूट्यूब पे। प्लीज़ वेयर ग्लव्स। चलिए मैं अभी मिस्टर एक्स आपकी रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अभी मैं पूरा ग्लव्स लेके आती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ही एक ऐसे आए हैं जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी ग्लव्स पहनती हूँ। बच्चों की विदुड़ी भाई, तुम जाके देखो ना, मेरा रिकॉर्ड देखो, ठीक है ना, मेरा रिकॉर्ड देखोगे ना तो बच्चों की वीडियो भी बना के डाल रही हो, जो भी है ना, ब्लॉग कोई देख ही नहीं रहा। वाईटी में लगूंगा तो जॉब, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने वैसे अपना बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ इस यूट्यूब के चक्कर में। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। हाँ ये मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करूँ, कौन सी लैंग्वेज बोलूँ फिर मैं? क्यों भाई, कोई समझा दो मिस्टर एक्स को। यूट्यूब ने ना सच में, अगर जब चल जाता है ना, अब इतना टाइम हो चुका है ना, 3 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अरे लेकिन विदुड़ी भाई, वाईटी पे ना एकदम ऐसे वायरल नहीं होते हैं। मैं 3 साल से देखो, 3 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। सी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है। कैन यू स्पीक तमिल और इंग्लिश? नो, आई डोंट नो तमिल एंड इंग्लिश। मिस्टर एक्स, व्हाट डू यू वांट टू टेल मैम? आई विल ट्रांसलेट यू। हाँ ये अमन श्रीवास्तव है ना, मेरा ट्रांसलेटर है, ये बोल दो जो भी बोलना है। अरे विदुड़ी भाई, 3 साल बहुत होता है। अगर तुमने 3 साल यूट्यूब में एक लगा दिया तो समझ लो बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, बहुत कुछ। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं यूट्यूब में घुसी हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बेकार कर दी है, और अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। या तो मैं वीडियोज ही ठीक नहीं बनाती हूँ। अमन प्लीज टेल, प्लीज वेयर ग्लव्स। अरे मुझे देखते देखते 2 साल हो गया है दीदी को। लेकिन मैं उससे पहले भी ना, नहीं 2 साल 1.5 साल तो मेरे को इस वाले चैनल पे हुआ है ना, 3 साल मेरे चैनल को ना बाबा की मेहर को हो गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 3 साल से ज्यादा हो चुका है। अमन भाई इतना मैं जानती हूँ, मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है वो मैं जानती हूँ। पहले व्यूज़ ठीक आते थे, वो थे ना, मतलब इस तरह की रहती थी, जो हम बच्चों के साथ चैलेंजिंग वीडियो बनाते थे, जिसमें हमने कैसी कैसी वीडियो बनाई है, मुर्गा पनिशमेंट, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है। सॉरी दी, कुछ काम आ गया, तो कोई बात नहीं। डीएनए भाई आप अपना नाम बता दो, मैं उस नाम से आपसे बात कर लिया करूँगी। डीएनए न्यूज़, काफ़ी लंबा नाम लेना पड़ रहा है।
नहीं, जॉब खतरे में नहीं है भाई, अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ। रोहित, तो ये है हमारे रोहित भाई। कहाँ से हो आप रोहित भाई? रोहित भाई आप कहाँ से हो? अमन ब्रो, सी सेड माय रिक्वेस्ट। मिस्टर एक्स, जब आप हिंदी में बोलोगे ना, मैं तब आपकी रिक्वेस्ट करूंगी। स्पीक इन हिंदी प्लीज, स्पीक इन हिंदी। ये है राजस्थान से, क्या बात है भाई। देखो लाइव करने से ना कितने दूर दूर से लोग मिलते हैं, कितने दूर दूर के लोगों से बातें होती हैं। हमारे राजस्थान के भैया से बात हो रही है, आर से राजस्थान, आर से रोहित, क्या बात है। तो हमारे रोहित भाई, प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दिया करो। मैं यूपी से हूँ रोहित भाई, यूपी से हूँ मैं। मिस्टर एक्शी से दैट शी विल डेफिनेटली डू योर रिक्वेस्ट। ओ अंग्रेज, आई एम फ्रॉम श्रीलंका मैडम, हिंदी लैंग्वेज इन श्रीलंका। अरे बाबा रे, मैं क्या करूं राम। चलिए मैं ग्लव्स कर देती हूँ, है ना। थोड़ा सा भाई, श्रीलंका से आए हैं ये हमारे पास, तो मैं इनकी रिक्वेस्ट कर देती हूँ कंप्लीट। वो ही वीडियो बना लो। नहीं, उसमें का क्या है ना, यूट्यूब ने वो वीडियोस रिमूव कर दी थी क्योंकि बच्चों से रिलेटेड था, तो यूट्यूब को ये लग रहा था कि मैं उनको पनिश कर रही हूँ, इसलिए यूट्यूब ने मेरी 2-3 वीडियोस रिमूव कर दी हैं। दी बट आप मेरा चैलेंज कैसे पूरा करोगे? मैं सही बताऊँ ना रोहित भाई, मैं जो ये लाइव करती हूँ ना, रियल में मैं ये लाइव ना आप लोगों से बात करने के लिए करती हूँ। मेरे को आप लोगों से बात है, सही में बताऊँ तो मेरा जो रिक्वेस्ट है ना, उसे करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आप लोग सब जुड़ते हैं मेरे से सिर्फ रिक्वेस्ट कराने के लिए, इसलिए मुझे वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर आपको मेरे से नॉर्मल बात करने में अच्छा लग रहा है और पसंद आया आपको मेरा चैनल, मेरे से बात करना, तो आप मेरे से नॉर्मल बात कर लो। मैं जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी रिक्वेस्ट करने की। वीडियो बनाने का बोल रहा हूँ दी। अच्छा, देखो वीडियो का ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगी। आपने शायद मुझे कमेंट भी किया है इस लाइव, इस वीडियो के लिए। जब मेरे पास अभी मेरी कज़िन आने वाली है 1-2 दिन में, मैं उसके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करने वाली, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा होंग टाई जो होती हैं और की जो वीडियोज़ आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो, तो वो आएगी, तो मैं इस तरह की वीडियो जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। तुम कहाँ चले बिधुड़ी भाई? आप कहाँ चले बिधुड़ी भाई? जाना नहीं है कहीं भी, थोड़ी देर और रहो, मैं थोड़ी देर और बात कर रही हूँ बस। लाइव में तो बात होती है। हाँ ये तो है, लाइव देखो बात करने के लिए ही होती है देखा जाए तो। और यहाँ पे स्मार्टी भी आ चुके हैं, खाना बनाना है। कोई बात नहीं बिधुड़ी भाई, मेरे घर आ जाओ, मैंने खाना बना लिया है। आ जाओ बिधुड़ी भाई मेरे घर आ जाओ, खाना बना लिया है मैंने। डिनर टाइम इन श्रीलंका, तो हमारे यहाँ किस चीज़ का टाइम है? हमारे यहाँ लंच का टाइम है। तुम्हारे यहाँ डिनर का टाइम है, तो हमारे यहाँ लंच का टाइम है। पब्लिक में देखो, मैं रोहित भाई, मैं जब बाहर जाती हूँ मास्क लगा के नहीं जाती, मैं ऐसे ही जाती हूँ, फेस कवर करके ही जाती हूँ। मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। रीड माई कमेंट, तुम कहाँ खिला रही हो? तो आ जा भाई, खिला दूंगी। ओपी भाई भी आ चुके। अच्छा थोड़ा सा भाई, मैं जो ये श्रीलंका से कमेंट आया है, मैं इनका थोड़ा सा ग्लव्स पहन लेती हूँ। 1 मिनट को मैं लेके आती हूँ ग्लव्स। सब लोग गए क्या? हेलो मिस्टर एक्स, वेयर इज मिस्टर एक्स? ग्लव्स ये देखिए, फाइव की वॉचिंग शो हो रही है मुझे तो।
लेडीज टॉप अभी वो भी यूज करने वाली हूँ। ओपी भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी गमछे की, इसलिए गमछा यूज किया है मैंने। ओके ओके ओके, जस्ट वेट मिस्टर एक्स, जस्ट वेट। चलिए जब सबसे पहले मिस्टर एक्स की हम रिक्वेस्ट कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, अमन भाई कह रहे हैं पहले सब लोग लाइव को लाइक करो। लाइक किसी ने नहीं किया है, 7 वॉचिंग चल रही है लेकिन किसी ने भी लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी कर दो भाई। डू फिंगर मोमेंट फॉर 2 मिनट्स। बताइए मिस्टर एक्स, लाइक डन, यानी कि बिधुड़ी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया था, कितनी गलत बात है। ओपी भाई बोल रहे हैं मैम रिप्लाई ऑन माय कमेंट। मैंने जब ये ग्लव्स पहन रही थी तब रह गया होगा, तो इसलिए मैम आपको वाला वीडियो देखा, आप अकेले ही थे जिसने फेस कवर किया है वहाँ। नहीं तो मैं फेस कवर का ही, देखो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ओपी भाई, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है फेस कवर की, और मैं इसीलिए जहाँ भी जा रही हूँ फेस कवर करके ही वीडियो बना रही हूँ। डू फिंगर क्रॉस मूवमेंट मिस्टर एक्स का, गला दबा दो ग्लव्स के तो से मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये टाइटल कहाँ से मिला दी, अब क्या बताऊं भाई मैं। दीदी एक बार तो अपना फेस दिखा दो भाई, अगर मैंने फेस दिखा दिया ना सारे लोग भाग जाएंगे। अभी जो 7 की वॉचिंग चल रही है ना रोहित भाई, सारे लोग भाग जाएंगे, इसलिए प्लीज मेरा चेहरा ना खुलवाओ। क्या करूं मैं, कैसे करना है मेरे को, मूवमेंट करने के लिए बोला, मैं मूवमेंट कर तो रही हूँ और क्या करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और मन्नत की दुनिया आ गए, थैंक यू सो मच मन्नत आने के लिए, थैंक यू। कैसे हो मन्नत, यस अमन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसको भी मेरा फेस देखना है मेरे ब्लॉग देख लो जाके देखना। रोहित भाई आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, जो मेरा बिना फेस कवर के है, समझ लो जिस वीडियो पे व्यूज नहीं है वही मेरी शक्ल है। सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा अगर फेस दिखा दिया, और मैं ना मुंह तोड़ दूंगी। मैम कई वीडियो में आप अपना फेस दिखा चुके हो तो अब क्यों नहीं। अरे राज है इस फेस कवर में भी ना, बहुत बड़ा राज है। मैं भी ठीक हूँ मन्नत, मैं भी अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। अब मैंने निकाल दिया, रिमूव कर दिया मैंने। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा अमन भाई ये क्या है। बिदुड़ी भाई बोल रहे मजाक करो, ये तो मुझे भी पता है मजाक करो, तुम अगर छोड़ के चले गए तो फिर अपने थोड़ी ना छोड़ के जाते हैं लाइव, कि तुम लोगों से बात करने के लिए। देखो थोड़ी हंसी आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है सब लोगों से बात करके, और आप लोग ही जाने की बात कर रहे हो। हमें ना समझ में आ रहा मिस्टर एक्स ये कैसे करना है। मैं सही बताऊँ ना ओपी भाई, मेरे पास ट्राईपॉड हो ना, तो मैं जो अभी तक जितनी भी वीडियो बनाती हूँ ना, बस ना ट्राईपॉड है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ट्राईपॉड होता है तो जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं।
अब तो तुम्हारे यहाँ ही हूँ, अब तो डरना पड़ेगा। जी हाँ, डिनर अभी नहीं हुआ है मन्नत, डिनर मैंने बना लिया लेकिन अभी बन खाया नहीं है। शी इज़ नॉट डू माई रिक्वेस्ट प्रॉपरली। अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। जी हाँ, क्या पूरा पढ़ो। मैंने डरना पड़ेगा, तुमसे डरना पड़ेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी भाई, अच्छा हुआ मैं पास में नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मेरे इतने अच्छे अच्छे भाई हो, इतना मुझे सपोर्ट करते हो, तो तुम लोगों से क्यों नाराज़ होंगी, क्यों तुम लोगों पे गुस्सा करूँगी। शो योर ग्लव्स हैंड। ये मेरा हाथ है, ये मेरा ग्लव्स है। दीदुरी कौन है? अरे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, कीपैड की मिस्टेक हो जाती है। दीदुरी तुम आज से दीदुरी हो गए। दीदुरी तुम आज से दीदुरी हो। मिस्टर एक्स इज ओवर, शी विल नॉट डन योर रिक्वेस्ट। मैम दुपट्टा टाइट, फेस कवर करके, ग्लास लगा लो, डू इट माई रिक्वेस्ट। ओह माई गॉड, ओपी भाई कभी मेरे से बात भी कर लिया करो प्लीज़। और मैम मेरा चैलेंज, हाँ भाई स्मार्ट ही बहुत दिनों के बाद आए हैं। और भिधुड़ी भाई कर रहे हैं ओम फो हो रहा है भैया, तो ओम फो। चलिए स्मार्ट ही बहुत दिनों के बाद आए हैं और इनका रिक्वेस्ट है जो टॉवल हैंकी है उससे फेस कवर करना है। अब कोई इनको समझाए कि मेरे एक हाथ में तो ये कैमरा यानी कि मोबाइल है, और जो हैंकी होता है वो इतना छोटा सा होता है टॉवल हैंकी, उसको मैं कैसे करूँगी इससे हाफ फेस कवर। मैम रिक्वेस्ट करके बात करते हैं। मेरे को सही बताऊँ ना ओपी भाई, मेरे को इसको कहाँ मैं स्टैंड करूँ, कैमरे को, इसको मोबाइल को। एक हाथ में मैंने इसको पकड़ रखा, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, इसलिए दूसरा दुपट्टा नहीं ले रही हूँ। अगर मेरे पास ट्राईपॉड होता ना, ये लगा रहता, मेरे दोनों हाथ फ्री रहते, फिर मैं कैसे भी कर लेती। प्लीज़ शो योर राइट हैंड, इट्स माई राइट हैंड, आई एम हेयर सब्सक्राइबर। यही मेरा राइट हैंड है, यही मेरा लेफ्ट हैंड है। मैम रिक्वेस्ट भी कर लो और फिर बातें कर लेते हैं। क्या रिक्वेस्ट है आपकी ओपी भाई? मैं पकड़ू आकर फोन, ट्राइपॉड के पैसे बच जाएंगे। नहीं भाई वैसे ना विदुड़ी भाई तुम मेरे पड़ोस में ही हो, हम दोनों मिलकर लाइव कर लिया करेंगे ना, बढ़िया चलेगी। फिर भाई एक ट्राईपॉड मंगा लूंगी, सामने कैमरा सेट करूंगी ना, और जितनी सबकी रिक्वेस्ट है ना कि फेस कवर करो, तो भाई ते फेस कवर करती रहा करूंगी। कोई कहता है मुंह में हैंकी ठूसो, भिदुड़ी भाई के मुंह में हैंकी, फिर और ग्लव्स पहनो, तो बस भिदुड़ी भाई के हाथों में ग्लव्स है कि नहीं। और मैं यही सोच रही हूँ, देखो मैंने ये लगा रखे थे ओपी भाई, मैंने लगा रखे थे, लेकिन सबसे पहले आके पता है, पता नहीं किसने कहा कि इन्हें हटाओ, चुड़ैल लग रही हो, इन्हें हटाओ, हटा दिए मैंने ये। ऐसा ऐसा तो बोलते हो, बताओ देखना। रीड माई कमेंट। मैंने किसका कमेंट नहीं पढ़ा? हाँ मेरा डिनर हो रहा है, और गुड नाइट, लव यू सो मच दीदी, एंड मिस यू, थैंक यू सो मच, मिस यू टू, गुड नाइट। यो किसका चश्मा? ये मेरे अमन भाई, बेज्जती ना कर, देखिए बेज्जती ना कर भैया, रास्ते में पड़ा मिल गया था। मैं ना आ रहा, तुम मत आओ भाई, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे रूम पे, ठीक है ना, लाइव करने ना, मैं आ जाऊंगी। हमेशा कुआं नहीं, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता। अभी मुझे लाइव करनी है ना तुम्हारे साथ, तो मैं आऊंगी। गुड नाइट मन्नत, गुड नाइट। मैम चलो, जो गमछा है उसे आईब्रो तक कवर कर लो। आईब्रो तक नहीं है कवर किया तो मैंने, आईब्रो तक ही था। मैं जाऊं? मैं भी जा रही हूँ अमन भाई, मैं भी जा रही हूँ। हो स्मार्टी नाराज हो गए। देखो
स्मार्टी नाराज मत हो, मैं बस आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर मैं सबको गुड नाइट बोलती हूँ क्योंकि मेरा डिनर टाइम हो चुका है। तो स्मार्टी प्लीज आप नाराज ना हो, मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ। जस्ट आ वेट, रुक जाओ अमन भाई, मैं इनकी रिक्वेस्ट कर दूँ फिर चले गए। मैं आ जाऊं? अरे हाँ मैं आ जाऊं लिखा है, सॉरी 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 सॉरी, मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। ये देखो स्मार्टी का टॉवल हैंकी, टॉवल हैंकी। स्मार्टी है यहाँ या नहीं है? देखो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे सब्सक्राइबर नाराज हो के जाए। अगर आप यहाँ हैं तो लिखो यस, और नहीं है तो लिखो नो। वो भी अच्छे हैं और अपने रूम में हैं। चलिए मैं स्मार्टी का थोड़ा सा काम कर देती हूँ। ये देखो मैं पहले ही बोली हूँ ना कि ये फेस पे नहीं आएगा, तो मैं इसको कर देती हूँ इस तरह से। देखना अब एक हाथ से तो मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। एक कह रहे हैं ग्लास लगा लो, ए ले ले कैसा लग रहा है? और मेरे को मैसेज नहीं दिखाई दे रहे, काले रंग का चश्मा। ओए मैया मैसेज ना दिख रहे हैं। ओपी भाई आपकी रिक्वेस्ट का वीडियो बना दूंगी, मैं इसमें मैसेज ही नहीं देख पा रही हूँ। चलिए मैं स्मार्टी की रिक्वेस्ट कर देती हूँ कंप्लीट। एक स्टिक भी ले लो हाथ में, स्टिक का क्या करने है? ले कैसा लग रहा है स्मार्टी? बस इतना ही कवर हो सकता है तो, कोई और सॉफ्ट हैंकी? जाना पड़ेगा मुझे दुकान पे। ओपी भाई आप मुझे इतना शर्मिंदा मत करो प्लीज, मैं रो पड़ूंगी। आपने देखा होगा मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपके कमेंट पे बनाई हैं, यहाँ तक कि मैंने आपके कमेंट को मैंने एडिट भी किया है वीडियो में, और आप मुझे ऐसी बात बोल रहे हो, मेरा दिल तोड़ रहे हो आप। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अच्छा मतलब मेरे को देखो अमन भाई ने तो अंधा बना दिया मुझे। चश्मा हटा लो। नहीं मैं मुझे सही बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि अभी तक, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ ओपी भाई, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी हर वीडियो पे आते हो और आप मुझे पूरा सपोर्ट करते हो, पूरा सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ। लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम भी बताई है, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, मैं अपने कैमरे को ऐसे ही सेट करके तब वो वीडियोस बनाती हूँ, या फिर मैं बाहर निकलती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जैसी आपकी रिक्वेस्ट रहती है मैं वैसी आपके कमेंट को वहाँ वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट आई है, आप फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। चश्मा हटा लो, अब हटा ही लिया है, और मैं सबको गुड नाइट करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है अब मैं चली, विधुड़ी भी चली और मैं भी चली और अमन भी चली। दीदी मैं इस जन्म में आपसे मिल पाऊंगा कभी? बिल्कुल मिल पाओगे भाई, जब तुम्हारी शादी होगी तुम मुझे बुलाना और मैं आऊंगी। मैम आपका चैनल था ना बाबा की मेहर, तब से आपको फॉलो करता, तो आपने अपने हाथ में लिख कर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच ओपी भाई, थैंक यू सो मच, जानती हूँ मैं, तभी से जानती हूँ आपको। और हाँ मैं हाथ में लिख के ही तब सबसे मैंने सब्सक्राइब करवाया था, और वो चैनल मेरा अभी भी है और इतना डाउन चल रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा है। भिदोड़ी भाई बोल रहे अभी मत जाओ, क्यों अब तुम्हें खाना नहीं बनाना क्या? मेरे को भूख लगने लगी है, मैं जा रही हूँ, मेरी शादी ना हो है। तो तुम्हारी शादी में आ कौन रहा है? मैं तो अमन की शादी की बात कर रही हूँ। बाबा की मेहर से तो मैं साथ में हूँ, नहीं तब भी थे ये ओपी। मैं नेक्स्ट ओपी भाई नेक्स्ट टाइम में दूसरा दुपट्टा यूज़ करूँगी और ग्लासेस भी यूज़ करूँगी। ठीक है अब मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाया अभी थोड़ी भाई, मैंने थोड़ा सा बनाया, और उसे भी मैं खाने जा रही हूँ, जब तक तुम इधर आओगे तब तक निबट जाएगा।
हक्की नहीं है आज तो भैया, तो यूट्यूब देख के खाना बना ले, नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगी तेरे को मैं, ठीक है? तो भाई अभी मैं करती हूँ सबको गुड नाइट, ओपी भाई गुड नाइट, अमन भाई गुड नाइट, और हमारे भिदुड़ी भाई गुड नाइट, मिलेंगे फिर कभी। और मैं बिल्कुल ओपी भाई, मैं ब्लॉग शूट करूँगी चाहे कैसा भी करूँ, लेकिन फेस कवर में जल्दी ब्लॉग शूट करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। सही भाई जाओ खाओ, मेरा हिस्सा भी, हिस्से का भी खा लेना। बुलाऊंगी यार कभी तुम लोगों को, बस एक बार थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, जॉब लग जाए, ठीक है? तो सब लोगों को बढ़िया सी पार्टी मिलने वाली है, बस तुम लोग आ जाना। जब तक लाइव बंद नहीं करोगी मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं बंद कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।